क्या है और किस प्रोफाइल पे काम करते हैं और चाइना से किस तरह के आपकी कॉमर्शियल रिलेशन है? हमारी कंपनी का नाम है नेक्स्टजन ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड और हम अपने ओन ब्रांड जिसका नाम है जॉर्जियो और चौबा वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं और पूरे इंडिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चाइना से हमारा रेगुलर काम पिछले 8-9 साल से होता है, रेगुलरली हम कुछ चीज मंगाते हैं वहां से और पूरे इंडिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस चीज के प्रोडक्ट होते हैं और कितनी कैटेगरी होंगी आपके पास लगभग? हमारे पास टोटल 500 से 550 प्रोडक्ट है और ये ब्यूटी कैटेगरी और पर्सनल केयर कैटेगरी में फॉल करता है जिसमें हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, ट्रिमर्स और ब्यूटी कॉस्मेटिक्स से सामान होते हैं। कहाँ कहाँ आप बेचते हैं इसको, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे कैसे आपका सेल होता है? ये प्रोडक्ट इंडिया में करीब 500 से 600 शॉप्स में ऑफलाइन में सेल होता है और इंडिया में ऑनलाइन में ये जितने लीडिंग ई कॉमर्स कंपनी है वहां पे ये सेल होता है। तो अब ये बताइए कि जब से कोरोना वायरस का हुआ है इम्पैक्ट, कब से आपके बिजनेस पे ज्यादा इम्पैक्ट होना शुरू हुआ है और किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है? देखिए चाइना का जो अभी ट्रेंड होता है हमारे परचेज का, जो जनवरी और फरवरी महीना होता है वो चाइनीज न्यू ईयर होता है और जनरली चाइना हमें चाइनीज हमारे सप्लायर बोलते हैं कि आप 2-3 महीने की इन्वेंट्री मेंटेन करें बिकॉज चाइनीज न्यू ईयर में एवरीथिंग इज क्लोज इन चाइना। अब बट ये जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आया है ये करीब जनवरी महीने से स्टार्ट हुआ है जब चाइनीज न्यू ईयर चल रहा था, जिस कारण से चाइना को भी किसी चीज को प्लानिंग करने का मौका नहीं मिला क्योंकि ऑलरेडी वो हॉलीडे में चल रहे थे। जहां पे थे चाइना स्थिर हो गई, ना वो अपने फैक्ट्री आ सके ना अपने ऑफिस आ सके और अभी भी इम्पैक्ट ऐसा है कि वो जिस स्टेट में जिस जगह पे प्रोविजंस में छुट्टी में गए थे आज भी वो वहीं पे है, अपने घर से निकल नहीं पाए। तो चूंकि चाइनीज न्यू ईयर होने के कारण हमने 2-3 महीने की स्टॉकिंग रखी थी बट मुझे लगता है अगर चाइना का जो काम है जो इम्पोर्ट है अगर नेक्स्ट 2 महीने स्टार्ट नहीं होता है तो हमारा बिजनेस और हमारे जैसे जितने बिजनेस पूरे इंडिया में जो 100% इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है उनको बहुत ही परेशानी होगी, शायद बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाए। लेकिन आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी लेते हैं क्योंकि एक नई तरह की अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए निकल रही हैं। जी, चूंकि चाइना से हम लोग रेगुलर टच में होते हैं तो वहां के जो हमारे बायर्स हैं जो हमें सप्लाई करते हैं, चूंकि चाइना पूरा इंडिया के लिए कुछ ना कुछ बनाता है, वर्ल्ड के लिए कुछ ना कुछ बनाता है और जो कोरोना वायरस है इतना इम्पैक्ट किया है करीब 150 से 200 कंट्री में, तो उनके यहाँ मास्क बनाने का मास्क का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है जो उनके देश के लिए भी है और पूरे वर्ल्ड के लिए है। कौन से मास्क है जो कोरोना वायरस में? जो कोरोना वायरस के लिए N95 करके मास्क होता है, डिस्पोजेबल मास्क होता है जो बेसिक प्रिकॉशन के लिए गवर्नमेंट और सारे डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं, उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट है जो कि फुलफिल नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ देयर डिमांड। सो उनके तरफ से है कि उनको वो मटेरियल चाहिए जो कि वो इंडिया से इम्पोर्ट करना चाहते हैं और उन्होंने हमें 5 मीट्रिक टन का इनिशियल रिक्वायरमेंट भेजा था जो कल रात तक उन्होंने 20 मीट्रिक टन एक साथ खरीदने के लिए, 20 मीट्रिक टन बोले तो 20,000 किलो इन शॉर्ट वो खरीदना चाहते हैं, इंडिया से इम्पोर्ट करना चाहते हैं। ये सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ मैं। जी, ये सिर्फ हमारी बात है और इस तरह के रिक्वायरमेंट चूंकि अलीबाबा आप जानते हैं उनकी एक वेबसाइट है, अगर आप आज जाके देखेंगे तो वहां पे बहुत सारे सेलर्स हैं जो इस रिक्वायरमेंट को पोस्ट कर रहे हैं बिकॉज एक बहुत बेसिक प्राइमरी चीज है कोरोना वायरस से बचने के लिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है इंडिया में मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे बायर्स के पास होंगी जो कि वो फुलफिल कर रहे हैं। तो आपके आपका कहना है कि आपके पास रिक्वायरमेंट आई है 20,000 किलो मास्क का कपड़ा या मास्क का कपड़ा? एक्चुअली मास्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया एक्सपोर्ट करने से और मास्क हम बना के भेज नहीं सकते और इंडिया में भी रिक्वायरमेंट है बट मास्क का कपड़ा इज नॉर्मल क्लोथ जो कि मास्क के फिल्ट्रेशन और जो एक स्पेसिफिकेशन मेडिकल टर्म्स होता है डेट इज ओके इन एक्सपोर्ट। सो उसका रिक्वायरमेंट है जो कल रात तक 20,000 किलो डेट इज 20 मीट्रिक टन का रिक्वायरमेंट था जो आगे की दिनों में और बढ़ेगी। तो ये जो सिनारियो है इससे आप अकेले जूझ रहे हैं, आपके एक इंडस्ट्री अकेले जूझ रही है या इसका असर अक्रॉस द बिजनेस लाइन जो है वहां पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है जिनके रिलेशन चाइना से हैं? देखिए मेरे ख्याल से ये हर बिजनेस जो कहीं ना कहीं चाइना नहीं इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है बिकॉज अगर कोई प्रोडक्ट अमेरिका का है, कोई प्रोडक्ट जर्मनी का है, कोई प्रोडक्ट लंदन का है तो वो भी कहीं ना कहीं चाइना से कुछ ना कुछ सोर्स करते थे। एक आप सिंपल एग्जांपल आईफोन का ले सकते हैं जिसका मेजर सोर्स जो है आईफोन चाइना से होता था, आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो उनके पास भी जो न्यूज के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत परेशानी है। तो ये सिर्फ चाइना से कोरोना वायरस और चाइना और इंडिया का इम्पैक्ट नहीं है, वर्ल्ड की हर कंट्री कहीं से भी कोई इम्पोर्टर होगा उसको ये इफेक्ट होगा, न सिर्फ चाइना से बल्कि वर्ल्ड के हर कंट्री से जिसका इम्पोर्ट होगा उसको फील होगा अगर उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं चाइना से होगा।
ये जो नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं उनको आप मानते हैं कि भारत में आप मेक इन इंडिया की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे से ये सैनिटाइजर और जो कपड़ा मंगवाया, जो क्लॉथ मंगवाया जा रहा है मास्क के लिए, ये नई अपॉर्चुनिटीज रहेंगी और ऐसी कुछ और निकलेंगी? देखिए, मेरे ख्याल से चाइना के बाद इंडिया की पॉपुलेशन और इंडिया का जो स्केल है मैन पावर का, ये बहुत ज्यादा है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वर्ल्ड के और दूसरे कंट्रीज, क्योंकि ये वायरस पीछे भी सार्स के नाम से चाइना में आया हुआ था 2003-04 में, तो कहीं ना कहीं जो वायरस इस कारण से बहुत सारे मल्टीनेशनल ने इंडिया में ऑलरेडी अपना बेस स्टार्ट करना, आप देखेंगे सैमसंग ने पिछले सालों में यूपी में अपना पूरा सेटअप डाला था और एप्पल भी इंडिया में इस साल मेरिकल सेटअप डाल रहा है. तो लोग कहीं ना कहीं भारत को चाइना के कंपैरिजन में एक ऑल्टरनेटिव कंट्री, सोर्स ऑफ प्रोडक्ट, सोर्स ऑफ इम्पोर्ट देख रहे हैं. और मेरे ख्याल से जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, अगर उसको प्लान्ड वे में जो किसी देश की रिक्वायरमेंट है, अभी क्या होता है कि हम अपने देश की रिक्वायरमेंट देखते हैं, वह चाइना कहीं ना कहीं दूसरे देश की रिक्वायरमेंट देखता है. अगर हमारा देश पूरे वर्ल्ड का इम्पोर्ट का फिगर देख के मेक इन इंडिया का काम करे, मेरे ख्याल से आगे वाले दिनों में हम चीन से भी कम्पीट कर सकते हैं, उससे आगे भी निकल सकते हैं. बिकॉज यहाँ पे रिसोर्सेज, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो मेडिकल वाले टीम है, जहाँ पे इनको प्रिवेंशन और प्रिकॉशन का जो उन्होंने दिखाया है एफर्ट, आप देखेंगे कि वर्ल्ड में इतने सारे कंट्री होने के बाद वो जो इंडिया में नंबर्स है वो बहुत कम भी है, और कहीं ना कहीं वो प्रिवेंशन में बहुत एक्टिव है. तो मेरे ख्याल से आगे के दिनों में अगर इंडिया में मेक इन इंडिया के हिसाब से, वर्ल्ड का रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम किया जाए, तो इंडिया में बिजनेस चाइना के कंपेरेटिव अच्छा हो सकता है.